So dendritic cells were doing, they were monitoring the body, and upon the sign for the signs of the invasion by pathogens, upon the encounter, these dendritic cells will capture these foreign antigens and they will process it and then present it to the naive T cell for the initiation of adaptive immune response. So what they are doing, this type of dendritic, what the dendritic cells are doing when they are in circulation, they are sentinels in the periphery. So these are immature also that time called. मतलब when acting as sentinels in the periphery, immature dendritic cells take up their cargo of antigen in three ways. First, they engulf by phagocytosis, जो बता रहे हैं. Then internalized it by receptor mediated endocytosis. Okay, because dendritic cells contain the receptor for the opsonins. So receptor mediated endocytosis हो गया. उसके बाद they imbibe it by pinocytosis. Okay, छोटा छोटा वेसिकल हुआ pinocytes. Indeed, immature dendritic cells, pinocytes, fluid volumes of total जो है 1000 से 1500 माइक्रोमीटर क्यूब पर आवर पर डेंड्राइटिक सेल. दिस इज अ ह्यूज वॉल्यूम, मतलब माइक्रोमीटर क्यूब है ये, म्यू है जो लिख रही है. दिस वॉल्यूम इज लार्जर देन इट्सेल्फ, दैट मींस डेंड्राइटिक सेल वंस इट इज अंडर द प्रोसेस ऑफ द मैच्यूरेशन. इमैच्योर डेंड्राइटिक सेल कब बोला गया? जब तक इसका एनकाउंटर पैथोजन से हुआ नहीं. इट इज इमैच्योर डेंड्राइटिक सेल एंड इट इज वर्किंग एज दूरबीन लगा के जो सेना में देखते रहता है, प्रहरी, सेंटिनेल्स. जैसे ही इसको मिल गया दुश्मन, देन दीज डेंड्राइटिक सेल स्टार्ट्स मैच्योरिंग. आप कह रहे हो कि अब ये फिर से अब आपको क्या करेगा, स्टार्टेड मैच्योरिंग, मतलब अब ये दे स्टार्ट फेगोसाइटोजी, कैप्चर किया उसको पैथोजन को, और उस पैथोजन को कैप्चर करने के लिए आसपास का फ्लूइड का वॉल्यूम भी इट स्टार्ट्स इंजेस्टिंग. सो उस सेल का वॉल्यूम जो है, इमेच्योर डेंड्राइटिक सेल का वॉल्यूम स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. इमेच्योर, अभी हम इसमें डेंड्राइट्स नहीं बनाए, मान लो ये इमेच्योर है, अनमेच्योर हो गया ये, ओके. सो ये जब इसका सेल वॉल्यूम बढ़ गया, अब और ज्यादा नहीं बढ़ सकता, पूरे तरीके से पैथोजन को, अब डिपेंड करेगा सेल वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, डिपेंड करेगा पैथोजन का वॉल्यूम कितना है. बड़ा बैक्टीरिया है और इट इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया सपोज, और इफ इट इज ए फ्रेगमेंट ऑफ बैक्टीरिया, सो इट विल डिपेंड. सो ज्यादातर क्या होता है, ऑप्शनाइज होता है, ओके, से ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया और फ्रेगमेंट ऑफ बैक्टीरिया. सो अलोंग विथ द लिक्विड मटेरियल अराउंड द एंटीजन, इट इज कॉन्स्टेंटली पिनोसाइटोजिंग द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. एक्स्ट्रा सेलुलर ब्लड क्या है, ब्लड का प्लाज्मा इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. तो उसी के साथ साथ ये और लिया, अब ये फर्दर इट कैन नॉट इंक्रीज द सेल वॉल्यूम. नाउ दीज डेंड्राइटिक सेल्स आफ्टर सम टाइम एट दिस रेट इट इज इंक्रीजिंग इट्स सेल वॉल्यूम,
and this volume rivals that of the cell itself. And through a process of maturation, they shift from an antigen capturing phenotype to one that is specialized for presenting of antigen to T cells. यही बात हम कह रहे हैं बार बार कि आपका जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बन गया एपीसी, सो दैट इज फुली मैच्योर फॉर्म. अभी डेंड्राइटिक सेल था इमैच्योर बिफोर एनकाउंटरिंग एंटीजन, और इस समय ये सेंटिनेल का काम कर रहा है सर्कुलेशन में. जैसे ही पैथोजन मिल गया it will start maturing and now it will stop phagocytosis. पूरा phagocytosis होकर के वॉल्यूम बढ़ा लिया और फिर एक स्टेप पर it will stop phagocytosis and now it will start expressing. जब पैथोजन का एंटीजन का प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गया इसके साइटोप्लाज्म में and it has now expressing the antigen, processed antigen on its cell surface along with a co-stimulatory molecule. ठीक है, presence of co-stimulatory molecule indicates that this dendritic cell has lost the capacity of phagocytosis. Now it has become ekara. They shift from an antigen capturing phenotype. पहले antigen capturing phenotype था. क्यों phenotype था antigen capturing? क्योंकि antigen को capture करने के लिए इसके surface पर dendritic cells के surface पर पहले से ही opsonins के receptor मौजूद है और antigen जो है opsonized हुआ पड़ा है. C3b, C4b, antibody, C1q ये सब fragments है. और डेंड्राइटिक सेल जो है वो रिसेप्टर मीडिएटेड फैगोसाइटोसिस करता है. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर. समझ रहे हो कि नहीं? हो गए? नो सर. कुछ पूछना है? आगे बढ़े, देख लेना वीडियो फिर से रिपीट. ओके चलो. फिर जो है आपका डेंड्राइटिक सेल जो है शिफ्ट हुआ कहां से, इमेच्योर में वो क्या था, सेंटिनेल था और कैप्चरिंग फिनोटाइप, कहने का मतलब रिसेप्टर का प्रेजेंस है ऑन द सेल सरफेस. कौन सा रिसेप्टर? ऑप्सोनिन के रिसेप्टर्स, C3b, C4b रिसेप्टर, C1q रिसेप्टर, एंटीबॉडी रिसेप्टर, C1q रिसेप्टर, ये सब रिसेप्टर्स हैं. आफ्टर दैट इट हैज कैप्चर्ड द एंटीजन, नाउ इट हैज प्रोसेस्ड, इट हैज स्टार्टेड प्रोसेसिंग दैट एंटीजन एंड इन द कोर्स ऑफ द प्रोसेसिंग एंटीजन दिस हैज टेकन दिस मच वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इनसाइड द सेल. At the rate of this, cell volume has increased. The antigen is also processed and now expressed on the cell surface. It has shifted. Now it has been changed. The phenotype has changed. Cell molecules present on the cell surface is changed. Phenotype change मतलब वो उसका जो किसी चीज का phenotype change होने से क्या समझते हो आपको, मतलब उसका रंग रूप बदल गया, दिखने में वो अलग दिखने लगने लगा. ठीक है, गोरा से काला हो गया समझ में. तो ये फिनोटाइप चेंज हो गया था डेंड्राइटिक सेल ही. सेल सरफेस पर अदर टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स थे, अब इसके सेल सरफेस पर एंटीजेनिक फ्रेगमेंट्स बहुत सारे एक्सप्रेस हुए अलोंग विथ को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल. ओके यस सर. अब ये सेक्शन को समझना बहुत जरूरी है आपको. आगे टी सेल जब पढ़ाएंगे तो कैसे समझोगे फिर.
सो देखिए यही फंक्शन ये बीच में टी सेल को एक्टिवेट इसी तरीके से एंटीजन को प्रेजेंट किया, हमको स्टिम्युलेटरी मॉलिक्यूल पढ़ाएंगे जब टी सेल पढ़ाएंगे तब, अभी उसमें बस इतना अभी आप जान लीजिए ठीक है एंटीजन और इस ट्रांजिशन में इन मेकिंग द ट्रांजिशन सम एट्रीब्यूट्स आर लॉस्ट एंड अदर्स आर गेन्ड। लॉस क्या हुआ, इमेच्योर में जो प्रेजेंट था वही लॉस हुआ, लॉस इज द कैपेसिटी फॉर द फैगोसाइटोसिस, बताया आपको इमेच्योर था डेंड्राइटिक सेल वो फेगोसाइटोसिस के लायक था, ये कैपेसिटी को लॉस किया एंड लार्ज स्केल पिनोसाइटोसिस ये भी लॉस हुआ, हमेशा तो नहीं खींचते रहेगा पानी, कुछ देर तक पिनोसाइटोसिस इस गति से चला, इस चक्कर में सेल का वॉल्यूम बहुत बढ़ गया, अब द एबिलिटी टू प्रेजेंट एंटीजन इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली, गेन यही हुआ ability to present antigen, as does the expression of co-stimulatory molecule भी इस पर express हुआ, ठीक है दोनों ये दोनों gain हुआ that are essential for the activation of naive T cell, तो co-stimulatory molecule का भी presence जरूरी है और antigen भी presented way में होना जरूरी है for activation of naive T cell, तो ये सब हो गया mature dendritic cell में complete, आई बात समझ में? यस सर। तो अब जब ये कंप्लीट हो गया यानी अब डेंड्राइटिक सेल आपका एक्टिवेट हो गया यानी मैच्योर हो गया, तो मैच्योर होने के बाद अब उसका क्या काम है बताइए, क्या करेगा वो मैच्योर होने के बाद, क्यों मैच्योर हुआ था टी सेल को प्रेजेंट करने के लिए, सेल को प्रेजेंट करने का और एंटीजन मटेरियल को डिटेक्ट ना, करेक्ट, तो टी सेल को प्रेजेंट करने के लिए उसको जाना पड़ेगा ना कहीं, यस सर, आएगा लिम्फ नोड में जाएगा, फिर आफ्टर एक्टिवेशन डेंड्राइटिक सेल्स एबेंडन रेसिडेंसी इन पेरिफेरल टिश्यू, जिस टिश्यू में था वहां से निकल जाएगा या ब्लड है ब्लड से निकलेगा, ओके ठीक है, मान लिया ब्लड में ही भेटा गया उसको तो ब्लड में भी हो सकता है और पेरिफेरल टिश्यू में भी हो सकते हैं, ठीक है तो वहां से भी और ब्लड से भी जब एंटीजन प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया तो वहां से निकल के या लिम्फेटिक सर्कुलेशन में है तो उस लिम्फेटिक सर्कुलेशन से भी निकल के दे विल माइग्रेट टू रीजंस ऑफ द लिम्फॉइड ऑर्गन where T cell reside and present antigen. Then we go to lymph nodes basically. ठीक है? आगे बढ़े? Yes sir. Yes sir. अब देखिए. Follicular अब देखिए एक dendritic cell है, एक follicular dendritic cell भी होता है. अभी तक डेंड्राइटिक सेल के संदर्भ में कितना टर्म आप समझ गए, इमैच्योर डेंड्राइटिक सेल ठीक है, मैच्योर डेंड्राइटिक सेल जो अब यहां बताया आपको, ओके मैच्योर होने के बाद डेंड्राइटिक सेल गया कहां, लिम्फ नोड में, लिम्फ नोड, और एक होता है फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल एफडीसी, लेकिन इसकी उत्पत्ति जो है हिमेटोपोएटिक प्रोसेस से नहीं है, ओके इसका ओरिजिन डिफरेंट है बट जो काम है कुछ मिलता जुलता है डेंड्राइटिक सेल का, आगे हम आपको जब लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर बताएंगे तो उसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स आर द रेसिडेंट ऑफ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द लिम्फ नोड्स, ठीक है सो इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट ऑल्दो दे शेयर ए नेम फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स डू नॉट अराइज इन बोन मैरो and have completely different function from those described for the dendritic cells discussed above. Okay. Follicular dendritic cells do not function as antigen do not they completely different follicular dendritic cell ka function is completely different than dendritic cell. Follicular dendritic cells do not function as antigen presenting cell for TH cell activation.
तो क्या करता है ये, सो व्हाट इट डज, दीज डेंड्राइटिक सेल्स वेयर नेम्ड फॉर देयर एक्सक्लूसिव लोकेशन इन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ द लिम्फ नोड कॉल्ड लिम्फोलिकल्स। लिम्फोलिकल्स में इसका काम विच आर रिच इन बी सेल्स, लिम्फ फोलिकल्स बाद में पढ़ेंगे हम लोग, वी विल डिस्कस लेटर द इंटरेक्शन ऑफ बी सेल विद फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन मैच्यूरेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बी सेल्स। तो जिस तरह डेंड्राइटिक सेल डिफरेंट मैकेनिज्म के द्वारा ओके एंटीजन को अंदर लेकर के इंटरनलाइज करके फिर प्रेजेंट करके किसको किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा था इन द लिम्फ नोड्स, टी सेल को के साथ इंटरेक्शन कर रहा था, कौन, मैच्योर डेंड्राइटिक सेल। अब लिम्फ नोड में टी सेल के साथ इंटरेक्ट करके ये टी सेल पॉपुलेशन को इट विल फर्दर डिफरेंशिएट इनटू टी हेल्पर सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स। ये फर्दर डिफरेंशिएशन होगा तभी होगा जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है, जैसे कि डेंड्राइटिक सेल, मैच्योर डेंड्राइटिक सेल जो टी सेल से इंटरेक्ट करेगा, इसके उलट फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल दे आर प्रेजेंट इन लिम्फ फॉलिकल्स एंड दे आर इंटरेक्टिंग विथ बी सेल्स, और इसका रोल बी सेल के मैच्यूरेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन में। समझ में आ रही बात? यस सर। इसका ओरिजिन बोन मैरो से नहीं है, इसका ओरिजिन बोन तो सर ये सर एफडीसी जो है ये सिर्फ बी सेल के डाइवर्सिटी को, हाँ इसका स्पेशल फंक्शन है, दे आर इन्वॉल्व इन, ठीक है, मैच्यूरेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बी सेल्स। बी सेल्स डाइवर्सिफिकेशन बनने के बाद प्लाज्मा सेल्स बनते हैं, पता ही होगा। टी सेल भी डाइवर्सिफिकेशन होने के बाद फर्दर प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स बनेंगे, ठीक है। प्लाज्मा सेल्स आर एक्टिवली सिक्रीटिंग एंटीबॉडी एंड मेमोरी सेल्स हैव अ लॉन्गर लाइफ टाइम स्पैन, longer life span, probably throughout your life these cells will stay in the lymph node. अगर B cell है तो lymph follicle में, और T cell का memory cell है तो lymph node में, they will stay there. Pardon sir, फिर से एक बार बोलिएगा, B cell का, B cell differentiation में फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल हेल्प, बी सेल जो है डिफरेंशिएट करके इट बिकम्स प्लाज्मा बी सेल, ठीक है। एंड नहीं, एफडीसी प्रेजेंट का लिम्फ नोड में ना, यस, बी सेल्स आर जनरली प्रेजेंट इन लिम्फ फॉलिकल्स, लिम्फ फॉलिकल्स एंड फॉलिकल्स, T cells are located in lymph nodes. Okay, dendritic cell जा रहा है lymph node में, follicular dendritic cell चूंकि lymph follicle में ही होता है present, so it is interacting there with the B cell in its maturation and diversification. So this is also very important, okay, the role of follicular dendritic cell. Otherwise,
the production of antibody will be limited or it will be absent. Memory cell will be limited. ठीक है? Yes sir. Yes sir. चलिए ये हो गया आपका डेंड्राइटिक सेल. ठीक है, अब आप देखिए छोटा सा बचा हुआ है बस एरिथ्रोइड सेल. सर हाँ बोलो. कह रहे हैं कि मैच्योर डेंड्राइटिक सेल जो है तो टी सेल के एक्टिवेशन के लिए बहुत जरूरी है, तो उसका तो मैकेनिज्म होगा सर पूरा, इसे टी हेल्पर सेल बनता है या टी साइटोटॉक्सिक टी सेल बनता होगा. हाँ पूरा मैकेनिज्म है, पूरा आपका एक टॉपिक है सिलेबस का यही. ठीक है, पढ़ाएंगे इसको अलग से. देखो ये फिगर को आप देखो, नीचे ही बड़ा करते हैं तो फिर स्टेप पर. ये फिगर दिख रहा है? यस यस सर. इस पर देखो ये क्या है, कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल, उससे नेचुरल किलर सेल बी सेल एंड टी सेल हैव अराइव्ड. बी सेल फिर फर्दर डाइवर्सिफिकेशन होगा, ये अब इसमें नहीं लिखा है. टी सेल का डाइवर्सिफिकेशन देखो, टी सेल इज डाइवर्सिफाइड इनटू टी हेल्पर सेल और टी साइटोटॉक्सिक सेल. T helper cell can again become T helper 1 type, T helper 2 type, T helper 17 type or T regulatory cell. और रिसर्च होते रहेगा, हो सकता है तुम कोई और खोज लो, T बागुल सेल भी बना सकते. कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि T सेल पॉपुलेशन सब ये सब अभी कोई भी नया नया नॉलेज ऐड होते जा रहा है. ओके so this so far this has been found that there are three different four different T helper cell population are there. okay so इस सब का अलग अलग रोल है, कोई नया मिल जाएगा तो उसके फिर एक नया नाम भी हो सकता है. okay so this mechanism is again very vast बाबू, समझे? इसका हम पढ़ेंगे चैप्टर T cell, देखना सिलेबस टी सेल एक्टिवेशन एंड मैच्यूरेशन. ठीक है, इसी तरह हम लोग बी सेल का भी एक्टिवेशन मैच्यूरेशन पढ़ेंगे. यस सर, है इसमें सिलेबस टी सेल डेवलपमेंट. टी सेल बी सेल सब देखो, अभी बेसिकली हम लोग ये सब जितना जितना इंपॉर्टेंट है ना उतना उतना पढ़ रहे, एक एक पैरा में समझ ले रहे. ठीक है, न्यूट्रोफिल एक पैरा में पढ़ लिए, इसिनोफिल बेसोफिल ये सब दो दो लाइन, ये दो लाइन में पढ़ेंगे, ये चार लाइन में पढ़ लिए, ये डेंड्राइटिक सेल एक पन्ना में पढ़े, तो जैसा जैसा इंपॉर्टेंस है उस हिसाब से पढ़ लिए. अब लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल में एंटर करेंगे, फिर नेचुरल किलर सेल पढ़ेंगे ये सब, फिर टी सेल थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, बी सेल फिर इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, फिर बी सेल डेवलपमेंट भी डिटेल में पढ़ेंगे. ओके सर, ये बेसिक हो गया ना, इसको पढ़ के ही आगे पढ़ सकते हैं. हाँ ये पहले ये सब पढ़ लिए. ठीक है, तो उसके बाद टी सेल डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये एक्वायर्ड है. ठीक है, ये एडेप्टिव है, इसकी वजह से एंटीजन के आने के बाद हो रहा है ये सब प्रोसेस. तो ये सब में क्या क्या डाइवर्सिफिकेशन होता है वो सब हम लोग पढ़ेंगे. तो अब जल्दी बाबुल समझ गए तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, आंसर हुआ? जी सर. डेंड्राइटिक सेल, फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल हो गया, एरिथ्रोइड देखो. एरिथ्रोइड सेल्स जो है क्या है, ये दीज आर द प्रोजेनिटर फॉर एरिथ्रोसाइट्स
सेल्स ऑफ द एरिथ्रोइड लिनियज दैट इज द एरिथ्रोसाइट्स और रेड, इसमें क्या पढ़ाना, समझ जाओगे तुरंत. ऑल्सो अराइज फ्रॉम कॉमन माइलोइड प्रीकर्सर, समटाइम्स रेफर्ड टू एज कॉमन माइलोइड एरिथ्रोइड प्रीकर्सर. अच्छा देखो, कंफ्यूज मत हो, ठीक है. कॉमन माइलोइड एरिथ्रोइड प्रीकर्सर भी बोला जाता है ऐसे, कब कभी कभी, जैसे यहाँ नाम लिखा हुआ है माइलोइड प्रोजेनाइटर, तो इसने कोई भी दुविधा ऐसा रखा ही नहीं, ये माइलोइड प्रोजेनाइटर या तो आपका कॉमन माइलोइड प्रोजेनाइटर भी हो सकता है या माइलोइड कॉमन माइलोइड एरिथ्रोइड प्रोजेनाइटर भी हो सकते हैं. सो दे आर समटाइम्स कॉल्ड, तो ज्यादातर माइलोइड प्रोजेनाइटर से, चूंकि संख्या एरिथ्रोसाइट्स की 50 लाख है और ये 8,000 होते हैं सब जोड़ करके, ये और ये सब जोड़ के, और ये अकेले 50 लाख होता है, तो ज्यादातर माइलोइड प्रोजेनाइटर से, सब आप समझ जाइए, तो सब डिफ्रेंशिएट हो रहा है किसमें, एरिथ्रोइड प्रोजेनाइटर. समझ गए? यस सर. मैक्सिमम जो है 99% से भी ज्यादा सेल जो है वो सब माइलोइड प्रोजेनाइटर बन जा रहा है एरिथ्रोइड प्रोजेनाइटर में, ठीक है. तो क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा एरिथ्रोसाइट्स होना चाहिए, और एरिथ्रोसाइट्स जितने भी मैमल्स हैं एक्सेप्ट वन कैमल, सब एरिथ्रोसाइट्स जो है इज डीन्यूक्लिएटेड, एन्यूक्लिएटेड. बट इन अदर वर्टिब्रेट्स लाइक एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, इन दैट एरिथ्रोसाइट इज न्यूक्लिएटेड. सो दीज आर, सो इसका डेवलपमेंट हुआ एरिथ्रोसाइट का, एरिथ्रोइड प्रोजेनाइटर सेल से. समटाइम्स दे आर कॉल्ड एज माइलोइड एरिथ्रोइड प्रीकर्सर. दे कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन. वंस इट हैज बिकम माइलोइड एरिथ्रोइड प्रीकर्सर फ्रॉम द कॉमन माइलोइड प्रोजेनाइटर सेल, तो आप लोग ऐसे बना लो, कॉमन माइलोइड प्रोजेनाइटर सेल से, कॉमन माइलोइड एरिथ्रोइड प्रीकर्सर लिखना पूरा, देन वंस दिस सेल हैज बीन फॉर्म दे स्टार्ट द सिंथेसिस, उसके सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन इन देयर साइटोप्लाज्म, देन दे बिकम एंड इट कीप्स ऑन गोइंग, मोर हीमोग्लोबिन, मोर हीमोग्लोबिन. ट्रांसलेशन और होगा सेम टाइप ऑफ प्रोटीन का. दे कंटेन हाई कंसेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड सर्कुलेट थ्रू ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज डिलीवरिंग ऑक्सीजन टू सराउंडिंग सेल्स. तो आप ये समझ रहे हो कि एरिथ्रोसाइट का रोल इम्यून सिस्टम में है कि नहीं है, ये बताइए आप लोग. यस सर. क्या रोल? यस सर. एरिथ्रोसाइट क्या कर रहा है, कैसे आपके डिफेंस में हेल्प कर रहा है एरिथ्रोसाइट? क्या रोल है, आप लोग बोले ना अभी. यस सर. क्या रोल कर रहा है बताइए. एक जगह से सर दूसरी जगह सर मूवमेंट करने में सर आसान होता है सर. सर क्या मूवमेंट करना, मतलब कोई भी जैसे एंटीबॉडी हो गया ब्लड में सर. ब्लड में एक तो रोल है इसका, ये कि दो रोल याद रखो आपको हम पढ़ाए हैं, सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स. सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स का क्लियरेंस झाड़ू लगाने में इसका काम है. बाद में लड़ाई का मैदान में जितने छत बिछत सिपाही पड़े हुए हैं, सेल्स डेब्रिस
एंटीजन फ्रेगमेंट्स CR1 molecule present on erythrocyte cell surface in high copy number. So CR1 is the receptor for the opsonin C3b, C4b. Okay. Or these antigenic debris fragments or dead cells, they will be opsonized by C3b, C4b fragments or antibody. So CR1 present on the erythrocyte cell surface, they will capture antigen antibody complex. कितनी बार बताया जाए, सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स को क्लियरेंस करने में काम है एरिथ्रोसाइट का. दूसरा काम पता चला है कि वंस द एरिथ्रोसाइट रप्चर्स the content, cytoplasmic content of the erythrocyte also release signals or some free radicals that will induce innate immunity, or you can say certain components of the complement activation pathway, they get activated. So, सीधा लिख देना innate immune activity. ये दो काम है एरिथ्रोसाइट का आपके इम्यून सिस्टम में, समझे? देखो, डैमेज रेड ब्लड सेल्स कैन आल्सो रिलीज सिग्नल्स. डैमेज होने के बाद जैसे मलेरिया हो गया तो जुआइड्स विल रिलीज आउट आफ्टर द रप्चर. आफ्टर ए सर्टेन स्टेज पीरियोडिकली इट जुआइड्स आर रिलीज्ड. तो एक लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद थाउजेंड्स ऑफ जुआइड्स आर रिलीज इनसाइड द आरबीसी फर्स्ट. तो अब आरबीसी अंदर में इट्स पैक्ड विद द जुआइड्स और द पैरासाइट्स व्हिच हैज बीन इंटरनलाइज्ड विद इन द आरबीसी. नाउ आरबीसी मेम्ब्रेन विल रप्चर, फटेगा अंदर से एंड मेनी जुआइड्स विल बी रिलीज्ड. तो अब आरबीसी, तो ये देखिए यहां मैकेनिज्म है. The radicals, not only the this kind of parasite, other types of parasites also, or under the effect of certain conditions. Suppose if a hemorrhage has been done over in that tissue, there also RBC ruptures. So in that case, signals or free radicals are released. This is still under the process of identification. What are those specific signals? Okay, these signals, free radical that induce innate immune activity. In mammals, erythrocytes are anuclear, and their nucleated precursor are called as erythroblasts. अभी हम बनाए थे तीर मार के इधर, ये इसके बाद ये बना, ये बना, उसके बाद आगे लगा लेना erythroblast. ठीक है, एरिथ्रोब्लास्ट के बाद रेटिकुलोसाइट्स, रेटिकुलोसाइट्स के बाद एरिथ्रोसाइट्स. तो फाइनल जो है न्यूक्लियस हटने की प्रक्रिया यहीं पर होती है, रेटिकुलोसाइट से एरिथ्रोसाइट में के स्टेज में ये डीन्यूक्लिएट हो जाता है. ओके, एरिथ्रोब्लास्ट एक्सट्रूड देयर न्यूक्लियाई इन द बोन मैरो. बोन मैरो में ही न्यूक्लियाई निकल गया रेटिकुलोसाइट से एरिथ्रोब्लास्ट के बाद. हाउएवर द एरिथ्रोसाइट्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल नॉन मेमेलियन वर्टिब्रेट बर्ड्स, ये सबके पास न्यूक्लियस है. एरिथ्रोसाइट का साइज और शेप भी जो है अलग अलग एनिमल में इन क्रॉस द एनिमल किंगडम अलग अलग है. किसी में बड़ा एरिथ्रोसाइट है, किसी में छोटा है. क्यों? क्योंकि एरिथ्रोसाइट के अंदर जितना भी हीमोग्लोबिन भरा जा सके उतना एनिमल के लिए बेनिफिट है, इसलिए साइज बड़ा छोटा है. लेकिन इतना भी बड़ा एरिथ्रोसाइट ना हो कि ब्लड वेस्कुलेचर में ही अटक जाए. तो एक एडजस्ट है हर स्पीसीज के हिसाब से. आप देखिए किसमें कितना एरिथ्रोसाइट, साइज एंड शेप वेरी कंसिडरेबली. न्यूक्लियस के हट जाने से क्या होता है मैमल्स में, ये सेकेंडरी ये एडेप्टेशन है. ओके, न्यूक्लियस के हटने से एक स्पेस मिल गया इनको,
ताकि पूरा हीमोग्लोबिन ही पैक रहे इसमें। एरिथ्रोसाइट, सबसे बड़ा एरिथ्रोसाइट है, लार्जेस्ट रेड ब्लड सेल इज फाउंड इन सम एम्फीबियंस और स्मॉलेस्ट इज फाउंड इन सम डियर स्पीसीज। ओके, अब देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मेगा कैरियोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स हो गए। अब हम लोग जिससे प्लेटलेट्स बनते हैं, प्लेटलेट्स आप कह सकते हैं दीज आर द डेड सेल्स और द फ्रेगमेंट ऑफ सेल्स। प्लेटलेट्स, पहले देखिए प्लेटलेट मेगाकैरियोसाइट, मेगाकैरियोसाइट हैज कम फ्रॉम वेयर, मायलोइड प्रोजेनिटर सेल्स, कॉमन मायलोइड प्रोजेनिटर सेल्स से मेगाकैरियोसाइट बना। अब इस मेगाकैरियोसाइट से, बहुत बड़ा सेल है, इस सेल का फ्रेगमेंट छोटा छोटा टुकड़ा टूट टूट के फ्रेगमेंट हो के दे विल फॉर्म मेनी प्लेटलेट्स मेगाकैरियोसाइट से। ओके, प्लेटलेट का फंक्शन है इट मेंटेन्स योर ऑस्मोलैरिटी सो दैट ब्लड ब्लड जो है डजंट कम आउट ऑफ द ब्लड वेसल, इट रिटेन्स इन योर ब्लड वेसल। ओके, सो मेगा कैरियोसाइट्स आर लार्ज माइलोइड सेल्स दैट रिसाइड इन बोन मैरो। मेगा कैरियोसाइट बनने तक ये बोन मैरो में ही है। And give rise to thousands of platelets, very small cells or cell fragment. But cells कहेंगे तो इसको, इसके पास न्यूक्लियस नहीं platelets में, ठीक है, तो very small cells, छोटा cell है या cytoplasmic fragment है, cytoplasm है, plasma membrane का vesicle है, उसके अंदर कुछ cytoplasm है megakaryocyte का, बस packed है। And that circulate in the blood and participate in the formation of blood clots. Okay, so although platelets have some of the properties of independent cells, they do not have their own nuclei. Okay, ठीक है, अब हम लोग यहां पर आपका फिनिश हो गया प्रोजेनिटर माइलोइड प्रोजेनिटर लिनिएज। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे, अब मैं इन्फॉर्म कर दूंगा व्हाट्सएप पर, लिम्फोइड प्रोजेनिटर, माइलोइड खत्म हो गया, लिम्फोइड। सर सीएमई बी सेल वाला नहीं समझ आया, कम समझ आया। कौन वाला? कॉमन माइलोइड एरिथ्रो प्रीकर्सर का जो प्रोसेस है, वो जो एच बी, यहाँ से यस सर। अच्छा, इनको बता, कुछ नहीं, सिंपल है, अभी ये क्लास फिर से ज्वाइन करना, अभी एक सेकंड के अंदर, एक मिनट के अंदर ये फिनिश हो जाएगा। ओके सर, देखो आप लिखोगे ऐसे, स्पेस है, फोटो को छोटा करना।